बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम अपने किसान भाइयों को फास्फोरिक एसिड और डीएपी के मुकाबला के बारे में बताएंगे कि फास्फोरिक एसिड बेहतर है या डीएपी बेहतर है। डीएपी की पीएच वैल्यू 7 से 8 होती है, जबकि फास्फोरिक एसिड की पीएच वैल्यू 1 से 2 तक होती है। और डीएपी के इस्तेमाल से ज़मीन की जो पीएच लेवल है वो बढ़ जाता है, जबकि फास्फोरिक एसिड के इस्तेमाल से ज़मीन की पीएच लेवल कम होती है। तो इसके बाद डीएपी के इस्तेमाल से जो असासी ज़मीनें हैं उनके मसाम मज़ीद बंद हो जाते हैं। इसके बरक्स फास्फोरिक एसिड के इस्तेमाल से असासी ज़मीनों के बंद मसाम भी खुल जाते हैं। डीएपी के इस्तेमाल से हमारी ज़मीन सख्त हो जाती है और इसके मुकाबला में फास्फोरिक एसिड के इस्तेमाल से हमारी ज़मीन नरम और भुरभुरी हो जाती है। डीएपी के इस्तेमाल से ज़मीन के जो पानी जज़ब करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। इसके बरक्स फास्फोरिक एसिड के इस्तेमाल से ज़मीन के जो पानी जज़ब करने की सलाहियत होती है, जो ज़मीन के अंदर मसाम होते हैं जिनके ज़रिए ज़मीन पानी जज़ब करती है, उनकी सलाहियत बढ़ जाती है। डीएपी को हम बावक्ते काश्त ज़मीन में दबाते हैं, तो इसके बरक्स फास्फोरिक एसिड को हम हसब ज़रूरत अपनी फसल में जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। असासी ज़मीनों में डीएपी की अफादियत महज 10% है, यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि हमारी असासी ज़मीनों में 90% तक डीएपी जो है वो ज़ाया हो जाती है। फास्फोरिक एसिड असासी ज़मीनों में 100% फ़ायदा मंद है, यानी कि इसका जो ज़ाया होने का ख़दशा है वो सिर्फ़ और सिर्फ 0% है। डीएपी खाद का फ़ी एकड़ ख़र्चा बहुत ही ज़्यादा है, जो कि अब मेरे ख़्याल में मार्केट में 13,000 या 12,800 के लगभग दस्तयाब है। इसके बरक्स फास्फोरिक एसिड का ख़र्चा डीएपी के मुकाबले में निसफ से भी कम है। याद रखें, तरक्की याफ्ता ममालक के तमाम ज़री माहरीन जहाँ से हमने खादों के इस्तेमाल का आइडिया लिया है, जहाँ जिनकी हम नकल करके अब खादें इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ से हमने खादों के फार्मूले देखे हैं या खादें ख़रीदी हैं, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमारी फसलों के लिए सबसे बेहतरीन फास्फोरसी खाद जो है वो फास्फोरिक एसिड है। तो उम्मीद है हमारे काश्तकार भाइयों को आज की मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो कोशिश करें, नई चीज़ को लाजमी आजमाएँ, किसी अच्छी कंपनी का फास्फोरिक एसिड ख़रीद कर जो हमारे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 75% तक अवेलेबल है। ये सरसब्ज़ कॉरपोरेशन मुल्तान वाले भी दे रहे हैं और भी बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं। तो फास्फोरिक एसिड को डीएपी के मुकाबले में इस्तेमाल करें और इसके रिजल्ट्स देखकर फिर आप डीएपी के मुतबादल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करें, इसको लाजमी आजमाएँ। उम्मीद है मेरे लिए आप इसके इस्तेमाल के बाद दुआ करेंगे। खुश रहें और खुशियां बांटें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।